दंगा करो कि 7 पीढ़ी का पहले एक मुफ्त लिख के छोड़ देना कि कब कौन पीढ़ी इसकी भरपाई करे। जिस हेलीकॉप्टर से कभी कभी उड़ते हैं वो भी समाजवादी सरकार का खरीदा हुआ है। खासकर सपा सरकार में जो गुंडे बदमाश में माफिया आदि, ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है जो बदलाव चाहती है। हमें तो मंदिर मथुरा चाहिए, न सोना चाहिए न चांदी चाहिए, हमें तो यूपी में मोदी योगी चाहिए। के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी की चाल विधानसभा का यह भगवानपुर गांव है। भगवानपुर गांव में शिव मंदिर में नरेंद्र मोदी की मूर्ति की स्थापना की गई है। 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए खुद पुजारी जी यहां पास बैठ के पूजा करते हैं, क्या क्या वो अनवरत यहां पास मंत्र करते हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम सीधा ब्रिजेन भगवानपुरी जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या चीजें हैं। 21 जनवरी 2014 में आदरणीय आज के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए यह मूर्ति मैंने स्थापित की थी। भगवान शिव के पास गर्भगृह में उनकी स्थापना है और वो प्रतिदिन मैं इनको स्नान करा करके और भगवान शिव के पास बैठा देता हूँ और ये भगवान शिव के लिए अनवरत ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। मैं महामृत्युंजय का जप 108 बार करता हूं और साथ साथ प्रार्थना करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों और यशस्वी हों और पूरे देश में जो भारत में संकट है, भारत की एकता राष्ट्रवाद और मजबूत हो, इसके लिए लगातार ये मूर्ति जो है यहां पर भगवान शिव की पूजा करती है। और 2014 में, 2017 में, 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन चुकी है भगवान शिव की आराधना से, और इस बार भी 2022 में निश्चित रूप से भगवान शिव जी जो यहाँ गर्भगृह में बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 240 से 280 विधायक होंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और योगी जी निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद की विजय सुनिश्चित है। ये तब तक रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर नहीं आएंगे। मेरा संकल्प है कि 1100 कन्याएं और 125 किलो का जो है लड्डू चढ़ेगा और भगवान शिव के लिए फिर पूर्ण आहुति करके इसको समापन कर दिया जाएगा। 2014 में हुए इस मूर्ति की स्थापना के बाद से माना जा रहा है कि 2014 में और 2019 में देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनी थी, वहीं 2017 में योगी जी की सरकार यूपी में बनी थी। इस बार 2022 में भी फिर से अनवरत मंत्रोच्चार चल रहा है और साथ में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की योगी सरकार फिर से बनाने के लिए यहां पर मंत्रोच्चार चलता है। सत्येंद्र खरे, ETV भारत, कौशाम्बी।